तो भाई अगर आप भी है मेरी तरह एक यूट्यूबर तो आपको ये तो मालूम होगा कि भाई यूट्यूब वीडियो के अंदर अगर आपका ऑडियो काफी अच्छा होगा तो वीडियो ज्यादा वाच की जाएगी। यानी सबसे पहले हमें ऑडियो पर ही वर्क करना चाहिए। ऑडियो को इम्प्रूव करने के लिए हमें चाहिए एक बेहतर माइक। अब जो अच्छे माइक होते हैं वो काफी कॉस्टली आते हैं, तो हमें एक ऐसा माइक चाहिए जो काफी अच्छे से वॉइस को रिकॉर्ड करता है, इसके साथ साथ उसकी प्राइस भी कम होती है। तो मैंने अपने भाई के लिए एक माइक मंगवाया है और ये है मेरे पास पूरी की पूरी किट। और ये है रेगर वोकल्स 250 कंडेंसर माइक्रोफोन और ये एक प्रोफेशनल माइक्रोफोन की पूरी किट है। तो आज हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, इसकी ऑडियो टेस्ट करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो ये माइक आपके वीडियो को कितना बेहतर बना सकता है। तो दोस्तों ये है रेगर वोकल्स 250 प्रोफेशनल कंडेंसर माइक्रोफोन का एक बॉक्स और इस बॉक्स के अंदर आप जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं पूरी किट इसमें आपको मिल जाती है, यानी सारे के सारे कंपोनेंट आपको मिल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको अनरैप कर देते हैं और फिर देखते हैं कि भाई इसके अंदर एक्चुअल में आपको बॉक्स कंटेंट क्या क्या मिलते हैं और अनबॉक्सिंग करने के बाद फिर हम इसका एक ऑडियो टेस्ट भी करेंगे। तो चलिए बॉक्स को कर देते हैं ओपन और यहाँ पे देखते हैं कि हमें सबसे पहले जो ऊपर ही हमें रखा हुआ मिलता है ये है एक पॉप फिल्टर। अब पॉप फिल्टर की अगर क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, लेकिन प्लास्टिक काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, और यहाँ पे मेटल का इस्तेमाल किया गया है। बाकी जो पॉप फिल्टर की क्वालिटी है वो काफ़ी ठीक है, तो पॉप फिल्टर को मैं यहाँ पे साइड में रखता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मिल जाता है एक हमको यूज़र मैनुअल और इसके भी कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है तो इसको भी अभी हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको यहाँ पे मिल जाता है एक वायर ऑर्गेनाइजर, जो इसका केबल है इसको हम ऑर्गेनाइज कर पाएंगे इससे। इसके अलावा यहाँ पे मिल जाता है हमको एक विंड फोम और विंड फोम आप देख सकते हैं इसकी भी क्वालिटी ठीक ठाक है, अच्छी है क्वालिटी, इसको भी हम साइड में रखते हैं। इसके अलावा हमको यहाँ पे मिल जाता है एक, यहाँ पे मैं जल्दी से इसे बाहर निकाल लेता हूँ और ये पैक है तो इसको मैं ओपन करता हूँ। और यहाँ पे हमको मिल जाता है एक शॉक माउंट। अब यहाँ पे जो ये शॉक माउंट है आप देख सकते हैं इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ठीक है, लेकिन ये प्लास्टिक से बना हुआ है, मेटल का उपयोग यहाँ पे नहीं किया है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी ठीक लग रही है तो इसे भी अभी मैं साइड में रख देता हूँ। और यहाँ पे देखिए हमें एक केबल कनेक्टर मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक USB टाइप A2 यहाँ पे हमें एक इस कनेक्टर मिल जाता है माइक्रोफोन और यहाँ पे हेडफोन का, तो इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। और यहाँ पे देखते हैं कुछ हमें और इसके पार्ट्स मिल जाते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये पार्ट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे फुल किट है तो सब कुछ हमें यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे देखिए एक मिल जाता है हमें डेस्कटॉप पे अटैच करने के लिए एक क्लैंप मिल जाता है, और ये जो क्लैंप है इससे हम इसे अपने जो डेस्कटॉप है जो टेबल है वहाँ पर इसको फिट कर पाएंगे, तो चलिए इसको मैं साइड में रखता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे हमको एक केबल मिल जाती है, आप केबल को देख सकते हैं एक माइक में लगेगी और एक लगेगी हमारी 3.5 mm जो जैक है उसमें लग जाएगी, तो इसको भी अभी हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये मिल जाता है हमको एक बूम आर्म, तो इसको भी अभी हम निकालते हैं बूम आर्म स्टैंड को कि ये किस तरह की क्वालिटी का है, तो मैं बाहर निकाल के देखता हूँ एक बार। तो ये मेटल से बना हुआ है और इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ठीक ठाक है, क्वालिटी में मुझे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है और काफ़ी अच्छा है ये भी, तो इसको भी अभी मैं साइड में रख देता हूँ। और यहाँ पे फाइनली हमें मिल जाता है हमारा माइक जिसके लिए ये पूरी किट हमने परचेज़ की है। तो माइक को आप ध्यान से क्लोज में देखिए, माइक गोल है और यहाँ पे लिखा हुआ है वोकल्स 250 और लाइट वेट है, काफ़ी लाइट वेट है, बाकी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है माइक। तो चलिए यहाँ पे रेगर की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। तो केबल जो मैंने आपको दिखाई थी वो देखिए यहाँ पे इस तरह से लग जाएगी और इसको हम लगा देंगे अपने कंप्यूटर में। तो चलिए हम इसको एक बार फिट करते हैं और उसके बाद इसका ऑडियो टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने हमारे वोकल्स 250 माइक्रोफोन को यहाँ पे अपनी टेबल पर माउंट कर लिया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिलहाल मैंने यहाँ पे पॉप फिल्टर का इस्तेमाल किया है, विंड फोम हमने अभी यूज नहीं किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि विंड फोम जब हम यूज़ करते हैं और जब हम पॉप फिल्टर का यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छी जो ऑडियो क्वालिटी आती है वो पॉप फिल्टर में आती है, ना कि विंड फोम में। इसके अलावा जो इसका जो ये बूम आर्म स्टैंड है ये भी काफ़ी अच्छा है, 180 डिग्री पर आप इसे कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके अलावा जो इसकी केबल है XLR केबल है, तो एक तरफ उसमें XLR जैक है और एक तरफ 3.5 mm जैक है। इसके भी साइज़ ठीक है, काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका CPU दूर भी रखा हुआ है तो काफ़ी अच्छे से वहाँ पर प्लग इन हो जाएगा। बाकी बहुत सिंपल है इसको सेटअप करना, बस प्लग इन करो और अपना इस्तेमाल करना शुरू कर दो। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका एक ऑडियो टेस्ट करूंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको विदाउट एडिट ऑडियो मैं सुनाऊंगा और देखूंगा कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, इसके अलावा इसके अंदर कोई हिसिंग साउंड आता है या नहीं आता है।
और उसके बाद हम एडिटेड साउंड को भी सुनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ऑडियो की क्वालिटी कैसी है और कोई हिसिंग साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, इवन नॉइज कितनी गेन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर रूम में फिलहाल सीपीयू मेरा चल रहा है और एसी भी चल रहा है। और इसके बाद जो आप साउंड सुनेंगे तो इसी साउंड को हम एडिट करके भी आपको सुनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ऑडियो की क्वालिटी कैसी है और कोई हिसिंग साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, इवन नॉइज कितनी गेन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर रूम में फिलहाल सीपीयू मेरा चल रहा है और एसी भी चल रहा है। और इसके बाद जो आप साउंड सुनेंगे तो इसी साउंड को हम एडिट करके भी आपको सुनाएंगे। तो दोस्तों ये था रेगर की तरफ से आने वाला वोकल्स 250 कंडेंसर माइक्रोफोन। आपने अनबॉक्सिंग देखी, मैंने ऑडियो आपको सुनाई और आपने देखा कि जब हम ऑडियो को थोड़ा सा एडिट करते हैं तो काफी ज्यादा इंप्रूव ऑडियो आ जाती है। इसके अलावा इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ठीक ठाक है और सबसे बड़ी बात यह कि बहुत इजी टू यूज है। आप प्लग इन करें और यूज करना स्टार्ट कर दें, आपको कोई भी ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, इसके बॉक्स में इसकी जरूरत के सारे कंपोनेंट्स आपको एक साथ किट के रूप में मिल जाते हैं, आपको कोई भी कंपोनेंट्स अलग से बाय करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको बाय करना है तो आप लिंक को फॉलो करके बाय कर सकते हैं। और ये माइक अगर आपको पसंद आया तो यार लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।